ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी दीपा कर्माकर ने दीपा कर्माकर रियो से भारत लौट आई हैं। भले वो ओलंपिक से मेडल लेकर ना लौटी हों, लेकिन इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उनका जमकर स्वागत हुआ। दीपा ने कहा कि वो जहां भी खेलेंगी इतिहास रचना जारी रखने की कोशिश करेंगी। उनका लक्ष्य हर हाल में क्वालिफाई करना था और उन्हें खुशी है कि वो लक्ष्य हासिल कर लिया। आपको बता दें कि दीपा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट तो बनी ही, साथ ही पिछले 52 साल में इस स्पर्धा में वो पहली भारतीय भी होंगी जिन्होंने भाग लिया। आज़ादी के बाद से 11 भारतीय पुरुष जिमनास्ट ओलंपिक खेले हैं, जिनमें 1952 में 2, 1956 में 3 और 1964 में 6 जिमनास्ट ने भाग लिया था। तो जब आज अल तड़के सुबह वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली में पहुंची रियो से, तब उनको वार्म वेलकम, उनका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए तमाम उनके चाहने वाले वहां पर मौजूद थे। उनका परिवार भी वहां पहुंचा। पहली महिला जिम्नास्ट थे वो भारत की, जिन्होंने रियो के लिए न सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि फाइनल तक पहुंची और महज कुछ पॉइंट से पीछे वो रह गईं, लेकिन चौथी पोजीशन पर उन्होंने अपना फाइनल गेम ख़त्म किया था। बहुत बहुत थैंक यू, इतना अच्छा मुझे रिसेप्शन मिला, मुझे खुद को भी नहीं पता था इतना अच्छा रिसेप्शन मिलेगा। मैं सबको थैंक यू करना चाहती हूँ। मैं ये बोलूँगी कि बहुत हमारा जो था परफॉर्मेंस अच्छा था, मेरा फर्स्ट टाइम 15+ था, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, पर दुखी वो थोड़ा सा पॉइंट के लिए मेडल गया, पर कोई बात नहीं, मेरा फर्स्ट ओलंपिक था, समझ में आया कैसा था, क्या होते, कितना मैं नज़दीक थी। एक्चुअली सच में बताऊँ तो मुझे खुद भी नहीं पता था मैं इतना नज़दीक थी, 4th प्लेस तक आ सकती थी, शायद मैं 7th-8th तक आ सकती थी, मुझे पता था, पर मैं 4th प्लेस में बहुत खुश हूँ मैं, और दुख भी हूँ मेडल गया।